नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना मेट्रो के लिए भूमिगत काम हुआ शुरू। पुलिस थानों के सॉफ्टवेयर से होगी मॉनिटरिंग। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की तिथियों ने हजारों परीक्षार्थियों की बढ़ाई मुश्किलें। ना गेंद मिली न उठाया बल्ला, फिर भी भारत के इस ऑलराउंडर ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अलग अलग विभागों से मिला रिक्त पदों का ब्यौरा, जल्द निकल सकती है वैकेंसी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना मेट्रो के लिए भूमिगत काम हुआ शुरू। अब बिहारवासी राजधानी पटना में जल्द ही अंडरग्राउंड मेट्रो का मजा ले पाएंगे। पटना में बन रहे मेट्रो के लिए भूमिगत काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो के कॉरिडोर 1 एवं कॉरिडोर 2 मिलाकर टोटल 24 स्टेशन का निर्माण होना है। पटना के अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर 2 में 6 स्टेशन होंगे। इनमें राजेंद्र नगर, मोइनुल हक, पटना यूनिवर्सिटी, PMCH, गांधी मैदान और आकाशवाणी शामिल हैं। वहीं कॉरिडोर 1 में दानापुर से खेमनी चक के मध्य रुकनपुरा, चिड़ियाघर, विकास भवन, राजा बाजार, पटना जंक्शन और विद्युत भवन पर भूमिगत स्टेशन बनेगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर की। 18 दिसंबर 1887 को जन्म भिखारी ठाकुर एक भारतीय भोजपुरी भाषा के कवि, नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नर्तक, लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म वर्तमान समय में स्थित बिहार के सारण जिले में हुआ था। उनके व्यापक रूप से भोजपुरी भाषा के सबसे महान लेखकों में से एक और पूर्वांचल और बिहार के सबसे लोकप्रिय लोक लेखक के रूप में माना जाता है। उन्हें अक्सर भोजपुरी का शेक्सपियर और राय बहादुर कहा जाता है। उनकी रचनाओं में एक दर्जन से अधिक नाटक, मोनोलॉग, कविताएं, भजन शामिल हैं। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं विदेशिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा और भाई विरोध है। उन्हें नाच लोक रंगमंच परंपरा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। पुलिस थानों के सॉफ्टवेयर से होगी मॉनिटरिंग। अब कोई भी पुलिस अधिकारी या थाने में काम करने वाले कर्मचारी अपने काम से बच नहीं सकेंगे, क्योंकि अब इनके काम की मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर से की जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय नया सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। गृह विभाग ने इसके लिए DGP को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नए सॉफ्टवेयर में थानों के कामकाज का पूरा हिसाब किताब दर्ज होगा। वहीं DGP SK सिंघल ने क्षेत्रीय IG DIG के साथ ही पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित ADG स्तर के अधिकारियों को सप्ताह के बुधवार और गुरुवार को पुलिस थानों का निरीक्षण करने की जवाबदेही दी है। मनरेगा की रैंकिंग में इस जिले ने मारी बाजी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में मनरेगा की रैंकिंग में बक्सर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली है और इसी के साथ उसने पहला स्थान हासिल कर लिया है। दरअसल रैंकिंग के 9 अवयवों के लिए निर्धारित 100 नंबर में बक्सर ने 89.15 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं जहानाबाद 87.88 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। 81.78 अंक के साथ वैशाली इस रेस में तीसरे स्थान पर है। वहीं सबसे बुरी स्थिति राजधानी पटना की है, जिससे 100 में से 65.85 अंक मिले हैं। इसके साथ पटना रैंकिंग में 31वें स्थान पर है। उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल ने बताया कि चाहे वह अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत सरोवर के चयन एवं निर्माण का मामला हो या फिर पौधारोपण, मजदूरों के भुगतान या मानव दिवस सृजन का मामला हो, बक्सर जिले ने हर अवयव में बेहतरीन काम हुआ है। JNU ने असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल इतने पदों पर निकाली भर्तियां। जवाहरलाल नेहरू JNU ने विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 126 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड PhD होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो किसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट jnu.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की तिथियों ने हजारों परीक्षार्थियों की बढ़ाई मुश्किलें। मालूम हो कि बीते गुरुवार को बीपीएससी ने सभी लंबित परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी है, जिसके बाद बीपीएससी के 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 20 व 22 सितंबर को कराने की बात कही गई है, जहां दोनों दिन यह परीक्षा 2 शिफ्टों में ली जाएंगी। हालांकि बीपीएससी द्वारा तय की गई इस तिथि से परीक्षार्थी खुश नजर नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से UPSC और बीपीएससी की परीक्षा तिथियों का एक ही अवधि में होना है। दरअसल UPSC की मेन्स की परीक्षा 16, 17, 18, 24 और 25 सितंबर को है। वहीं बीपीएससी ने 20 और 22 सितंबर तिथि निर्धारित की है। ऐसे में हजारों परीक्षार्थी मुश्किल में पड़ सकते हैं, जिन्हें दोनों परीक्षाओं में शामिल होना है। ऐसे में छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उनकी चिंताओं पर गौर करने की अपील की है।
भारत सरकार ने इन 8 YouTube चैनलों को किया बंद। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा, भारत के विदेश से संबंधों और देश के प्रति गलत जानकारी फैलाने वाले करीब 8 YouTube चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। इन 8 YouTube चैनलों में 7 भारत के थे तो वहीं 1 पाकिस्तान के थे। इन चैनलों को IT नियम 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह खुलासा किया है कि इन YouTube चैनलों को भारत में धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए ब्लॉक किया गया है। सूखे का जायजा लेने इन जिलों में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूखे की स्थिति का जायजा लेने हवाई यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर को बीते दिन मौसम खराब होने की वजह से गया में लैंड करवाना पड़ा। दरअसल बिहार में फिलहाल कई जिले सूखे की स्थिति में हैं। राज्य भर में पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के धान की फसलें बर्बाद होने के कागार पर है। इस बीच बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के दौरे पर निकले, जहां मौसम खराब होने की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को गया जिले में उतारा गया। बताते चले कि बीते दिन मुख्यमंत्री सूखा का आकलन करने के लिए भोजपुर, अरवल, गया, औरंगाबाद, सासाराम सहित कई जिलों में निकले थे। वंदे भारत ट्रेन से बदला जाएगा इंटरसिटी एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके लिए भी यह खबर खास हो सकती है अगर आपकी यात्रा ट्रेनों से अधिक होती है। दरअसल रेलवे ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को वंदे भारत ट्रेन से बदलने की तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में इसका लाभ भागलपुर के स्टेशन को अधिक मिलने वाला है। मालूम हो कि कई इंटरसिटी ट्रेनें भागलपुर से विभिन्न जगहों के लिए चलती हैं। हालांकि पहले चरण में 27 रूट का चयन किया गया है। इन रूटों पर लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में इन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस से रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। इन ट्रेनों के वंदे भारत से रिप्लेस होने से यात्रियों को सफर में पहले के मुकाबले कम समय लगेगा। बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्रों की होगी यूनिक पहचान। बीपीएससी के 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गई। इस बीच बीते दिनों बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि यदि किसी सेंटर से प्रश्न पत्र लीक होगा उसका तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों को दिया जाने वाला प्रश्न पत्र यूनिक होगा। अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ तो इसका पता तुरंत किया जा सकेगा कि कौन से परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करने की बाध्यता नहीं रह जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पूर्व ही परीक्षार्थियों की एंट्री बंद हो जाएगी। फिर बायोमेट्रिक आईडी को रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं परीक्षा के बाद कॉपी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। मंगला गौरी मंदिर इस वजह से है बेहद खास। हिंदू मिथक और सनातन परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में सती के शरीर की कुल 11 हिस्से पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर गिरे। जिन स्थानों पर वो गिरे हैं उस जगह को शक्तिपीठ कहा जाता है और सभी शक्तिपीठ विभिन्न देवियों को समर्पित है। उन्हीं में से एक है मंगला गौरी, जिसका मंदिर गया जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बना हुआ है और गया का यह मंदिर विशेष रूप से वैष्णव पंथीय है। यह मंदिर मंगला गौरी पहाड़ी पर बनवाया गया है। इस मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और मोटर से जाने के लिए रास्ते भी व्यवस्था की गई है। इस पवित्र मंदिर में देवी की बहुत सुंदर और नक्काशी की गई मूर्ति स्थापित की गई है। अलग अलग विभागों से मिला रिक्त पदों का ब्यौरा, जल्द निकल सकती है वैकेंसी। महागठबंधन सरकार के मंत्री काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सरकार नौकरी सृजन करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गृह विभाग ने कुछ दिनों पहले से संबंधित विभागों और जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा था, जिसके बाद सभी विभागों ने अब ब्यौरा भेज दिया है, जिसमें बिहार पुलिस विभाग ने 12,000 रिक्तियों का ब्यौरा भेजा है। कृषि विभाग ने 850 रिक्तियों का ब्यौरा भेजा, तो वहीं सबसे ज्यादा रिक्तियां शिक्षा विभाग में है, जहां 1,80,000 शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियोजन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि 7वें चरण में होगी। इसके साथ ही 44,506 प्रधान शिक्षकों के पद भी खाली हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 12,000 रिक्तियों को भरा जाना है। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए खुशखबरी। बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय और उसके अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन एवं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मियों को जल्द पेंशन मिलने वाला है। इसके लिए वित्त विभाग ने सहमति दे दी है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने 592,24,08,993 रुपये बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए जारी कर दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने 1 सप्ताह के अंदर सभी शिक्षक और अन्य कर्मियों को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि यह राशि जून और जुलाई का बकाया वेतन और पेंशन से संबंधित है। बोधगया से काठमांडू के लिए विमान सेवा की बढ़ी उम्मीदें।
बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और इसका सकारात्मक असर भी दिख रहा है कि आज बिहार में विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि विदेशी पर्यटक गोवा से भी ज़्यादा बिहार पहुँच रहे हैं। ऐसे में बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए विदेशी पर्यटकों के लिए बिहार बोधगया से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए विमान सेवा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पर्यटन मंत्री ने बताया कि उन्होंने बोधगया से काठमांडू वाया बागडोगरा होते विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। आज भी कुछ क्षेत्रों में है बारिश की संभावना। बीते दिन राजधानी वासी सहित राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में हुई बारिश की वजह से लोगों ने आग उगलती गर्मी से राहत पाई। दोपहर को काले बादलों के बीच राजधानी पटना सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 19 अगस्त के बाद प्रदेश में पहले जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी आज राज्य के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के क्षेत्र हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल मानसून के महीने में कम हुई बारिश की वजह से भूजल स्तर भी कई क्षेत्रों का नीचे चला गया है। वहीं दूसरी ओर किसान अपनी फसल को लेकर बेहद चिंतित हैं। इस बार धान की फसल कम हुई, मानसून बारिश की वजह से बेहद प्रभावित हुई है। इस साल फल्गु नदी के शुद्ध जल में तर्पण कर सकेंगे पिंडदानी। पितृपक्ष मेला की तिथि नजदीक आ रही है जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी पिंडदानियों की भारी भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पिंडदानियों को हर जरूरी सुविधा मुहैया कराने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एमएस नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी पितृपक्ष मेला क्षेत्र का दौरा कर कामकाज की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्षों से फल्गु नदी में बह रहा मनसरवा नाले का पानी इस बार पिंडदानियों को परेशान नहीं करेगा। पिंडदानियों के लिए रबर डैम तक करीब 1 मीटर पानी फल्गु नदी में मेला के दौरान रहेगा, जिससे कि फल्गु नदी के शुद्ध पानी से पिंडदानी तर्पण कर सकेंगे। विजय कुमार सिन्हा को मुकेश सहनी की अहम सलाह। बिहार में सत्ता परिवर्तन कर जदयू ने राजद सहित कांग्रेस, हम और लेफ्ट राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। इसके बाद भाजपा के सभी मंत्रियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया। वहीं विधानसभा स्पीकर सह भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इसको लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने विजय कुमार सिन्हा को सलाह देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को अपने पद से इस्तीफा देकर पद की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। ललन सिंह ने पूर्व मंत्री को बताया भूमाफिया। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद सत्ता से विपक्ष में पहुंची भाजपा महागठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं सत्ता में बैठे जदयू के भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हैं। इस बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जरा मुजफ्फरपुर जाकर पता कर लीजिए, सबसे बड़े भूमाफिया वही हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता है। वहीं आरसीपी सिंह द्वारा राजद और जदयू के विलय होने के बयान पर उन्होंने आरसीपी सिंह को बीजेपी का एजेंट बताया। जिसे 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी वह शख्स बिहार में गिरफ्तार। जिस शख्स को 5 राज्यों की पुलिस खाक छान रही थी वो पटना निवासी राहुल तिवारी को पुलिस वालों ने धर दबोचा। दरअसल बताया जा रहा है कि राहुल तिवारी ने पटना सहित बिहार के कई जिलों के अलावा कोलकाता, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लोगों से उनकी 4 चक्के की गाड़ी सरकारी ऑफिस में लगवाने का झांसा देकर वह गाड़ी को लेकर भाग निकलता था। इसी मामले में इन राज्यों की पुलिस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसके बाद वह शख्स अपने भाई सागर तिवारी का जमानत लेने बीते दिनों न्यायालय पहुंचा। इसी क्रम में पटना रूपसपुर थाने की पुलिस ने राहुल तिवारी को धर दबोचा। देबीना को ट्रोल करने वालों को गुरमीत चौधरी ने कही ये बात। एक्ट्रेस देबीना बनर्जी दूसरी बार मां बनने जा रही हैं और हाल ही में देबीना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने फैंस को दी थी। इसके बाद कुछ लोग जहां देबीना और गुरमीत को आने वाले बच्चे के लिए बधाई दे रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहली प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद प्रेग्नेंट होने की वजह से देबीना बनर्जी को ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद जब इस मसले को लेकर गुरमीत चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने ट्रॉलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने देखा कि ऐसे कुछ कमेंट्स ट्रोलिंग के रूप लेते जा रहे हैं, मैंने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। इसलिए मैं और देबीना पूरी तरह से चिल रहते हैं। हम जो हैं हमें मालूम है।
इन एक्सप्रेस ट्रेनों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा हुई शुरू। हम लोग काफी तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र कंप्यूटरीकृत होने जा रहा है। ऐसे में रेलवे भी खुद को अपडेट करने की कोशिश में लगा है। इस बीच रेलवे की तरफ से रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय रेल पैसेंजर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पेमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है। इससे ये होगा कि आजकल जो लोग कैश लेकर चलना नहीं पसंद करते हैं या फिर किसी कारणवश कैश भुगतान नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह सुविधा बेहद अच्छा साबित होगा। साथ ही रेल में वेंडर द्वारा मनमानी कीमतों की वसूली पर भी अंकुश लगेगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बिहार की 10 ट्रेनों में डिजिटल पेमेंट का चलन शुरू कर दिया है। इसमें संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस, रांची जनशताब्दी, पटना एर्नाकुलम, पटना कोटा और सुविधा एक्सप्रेस शामिल है। उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को मिला 4-4 लाख की राशि। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए बिहार सरकार लोगों की हर संभव मदद भी कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मशीन क्रय किए जाने के लिए 4-4 लाख रुपए आवेदनकर्ताओं के बैंक खाते में भेजे जा चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जानी है, जिनमें 4 लाख दी जा चुकी है। वहीं बाकी के 6 लाख की राशि खरीद की गई मशीन स्थापित किए जाने के बाद मिलेगी। वहीं इस 10 लाख रुपए की योजना में 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में है। आपको बताते चले कि इस योजना के लिए 15,286 आवेदकों का चयन किया गया था। भूमि विवाद का हल करने के लिए नए सिरे से होगी पहल। बिहार में भूमि विवाद से जुड़े सबसे अधिक मामले सामने आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 60% हिंसक अपराधों की जड़ें भूमि विवादों में है। इस बीच अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नवनियुक्त मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि राज्य में भूमि विवाद संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए नए सिरे से पहल किया जाएगा। आलोक मेहता ने बीते दिन कहा कि बिहार में एरियल सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का काम पूरा होते ही पुराने नक्शे और नए नक्शे के हिसाब से अद्यतन स्थिति स्पष्ट किया जाएगा। इससे मुख्य समस्याओं का निराकरण होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन 1828 में कोलकाता में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1979 में अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत और नेपाल में 1988 को 6.15 की तीव्रता वाले भूकंप से 1,000 लोगों की जान चली गई। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साई राम को 2008 में अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार रामचरण शर्मा की मृत्यु 2011 में हुई। भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 1944 को हुआ था। भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया असचदेव का जन्म 20 अगस्त 1986 को हुआ था। इतिहासकार गंगाराम सम्राट का निधन 2004 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद रामचरण शर्मा का निधन 20 अगस्त 2011 को हुआ था। और आज ही के दिन राजीव गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ना गेंद मिली ना उठाया बल्ला, फिर भी भारत के इस ऑलराउंडर ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। टीम इंडिया के युवा ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने भारत की जीत के साथ एक बड़ा और अद्भुत रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा करने वाले भारत के पहले और विश्व के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। हुड्डा ने भारत के लिए अब तक 15 मैच में 9 T20 और 6 वनडे खेले हैं और भारत ने इन सभी मैचों में जीत दर्ज की है। यानी अभी तक दीपक हुड्डा ने जितने मैच खेले हैं भारत ने सब में जीत। हुड्डा ने रोमानिया के क्रिकेटर सात्विक नाडिगोटला के रिकॉर्ड की बराबरी की है। हुड्डा से पहले इसी खिलाड़ी ने यह रिकॉर्ड बनाया था और अब हुड्डा के पास उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नरेश कुमार, राजकुमार प्रसाद, चंद्रशेखर कुमार, ललन केसरी, अनवर करीम खान, भान प्रकाश मौर्य, निभा कुमारी, सुशील कुमार महतो, पुष्पलता ठाकुर, दीपक कुमार, प्रीति कुमारी और पवन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नल जल योजना के तहत क्या आपके क्षेत्र में पानी पहुँच रहा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।